हेलो। चक्रधारी अर्जुन साहब। मैं एक्चुअली आप लोगों को सुनते रहता हूँ और मैं सोचा आज ज्वाइन कर लूँ, तो इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ। आपका जी शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। जी जैसे फरमाइए। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन आपसे करने स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली सुनता रहता हूँ, जैसे आप लोगों को भी सुनता हूँ। मैं सनातनी हूँ, मतलब जो हिंदू जो कहते हैं, ठीक है। और मैं एक मुस्लिम लोगों को भी सुनता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी सुनता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप लोग कहते हो कि ईश्वर एक है या फिर अल्लाह एक है, ठीक है, उसको मतलब ऐसे प्रूव कैसे किया जाए, जैसे आपके तरीके से अगर बोला जाए, मतलब हम जाने कैसे देखें, कि एक है कि अनेक है। कुरान करीम ने जो बात कही है वो ये है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा, कि अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे नाम हैं, तो तुम उन नामों में से किसी एक नाम के जरिए भी खुदा को, अल्लाह को पुकार सकते हो। अच्छा, तो अब ठीक अल्लाह के वो नाम जो कुरान करीम में है वो तो जाहिर है कि अरबी में है, क्योंकि कुरान अरबी में है, अच्छा। लेकिन कुरान में ये नहीं कहा कि वो सारे नाम अरबी में होंगे, वो किसी भी जबान में हो सकते हैं। नाम के लिए शर्त ये है कि वो उसके शायन शान हो, इसलिए कि उसने हुस्ना की कैद लगा दी, कहा अल अस्मा उल हुस्ना, ठीक उसके शायन शान। अब आप ये नहीं कह सकते कि है। मैं कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी लफ्ज लूं और खुदा के ऊपर फिट कर दूं कि मैं तो खुदा को ये पुकारूंगा, नहीं, उसका एक क्राइटेरिया खुदा ने दे दिया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आपकी मजहब में, सनातन धर्म में मसलन, अगर ये लिखा हुआ है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, उसका कोई नमूना नहीं हो सकता, उसका कोई शेप नहीं हो सकता, उसका कोई जिस्म नहीं हो सकता, ये आपके मजहब में खुद लिखा हुआ है, यही बात हमारे यहाँ लिखी है कि अल्लाह उसके, अच्छा आपके यहाँ है कि ईश्वर की पैदाइश नहीं है, उसकी अपनी हाँ कोई ठीक है। औलाद एक्चुअली नहीं। मेरा जो नजरिया है, मैं सुन आपको लीजिए थोड़ा सुन सा, मैं लीजिए, वो अपना आपका पॉइंट नजरिया एक क्लियर मिनट कर। जाइए, एक मिनट, आपका ठीक नजरिया है, एक ओके। अलग, मैं बता रहा हूं कि आपके मजहब में भी ओरिजिनल क्या था, जो क्या से क्या हो गया, तो वही फिर हमारे मजहब में है, उल्लाह वाहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, यही तो है कि भाई अल्लाह एक है, बेनियाज है, वो कहीं वो पैदा नहीं हुआ, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, उसका कोई शरीक नहीं है। तो वही चीज जो है वो, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप खुदा को अगर ईश्वर भी कह रहे हैं तो कहिए, चूंकि आपके यहाँ जो ईश्वर की डेफिनेशन है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है उससे मिलती जुलती है जो हमारे यहाँ है। जी अब आप बताइए आगे। ठीक है। देखिए, जैसे मेरा जो मतलब मैं बचपन से, जब जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद से मतलब संसार नेचर से जो मुझे ज्ञान मिला अपने माँ बाप से, ठीक है ना, तो मुझे मुझ जैसे मतलब जो सनातनी है, उन लोगों को बाय डिफॉल्ट सिखाया नहीं जाता है बचपन से कि कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है। तो उनके अंदर, फिर मेरे अंदर ऐसा था, तो मैं जाना बहुत सारे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता या फिर बहुत सारे रामायण महाभारत ये सब पढ़े, मतलब जाने। तो हम लोग इसमें ऐसा है कि कोई किताब जो है वो परमानेंट नहीं है, कि इनको भी मानना है और वो सही सही है, क्योंकि सारे किताब जो है वो तो इंसानों ने लिखी है ना, ऋषि मुनि सब तो इंसान ही थे ना। अभी वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब अपने अपने किताब में लिखे है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं अर्जुन भाई, मैं आपको रोकूंगा किसी वजह से, मैं माजरा चाहता हूँ। बोलिए। हजरत ने जो बात की ना वो एपिस्टेमोलॉजिकली अपनी बेस में बैठी है, यानी हिंदू धर्म शास्त्रों से निकलता है। भगवद गीता में अध्याय 16, 23 और 24वां श्लोक श्री कृष्ण खुद कहते हैं, यह शास्त्र विजि मुस्तज्रिय वर्तते काम कारतः, ठीक है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो श्री कृष्णा जी हाँ, कहते इसका हैं हिंदी में जो बताइए। शास्त्रों को छोड़ के अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है वो कभी भी सुख न सुखम, वो कहते हैं ना सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलता है ना पराम गतिम मिलता है। मगर ठीक है, एक मिनट के लिए आपके नजरिए को हम मानकर चल रहे हैं कि आपने शास्त्र छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, हम नहीं उसको मान छोड़े लेते नहीं, हैं। मतलब ठीक नहीं, है, वो ये कह आपका रहे हैं कि है हम इंसानों, शास्त्रों को इसलिए नहीं मानते कि ये इंसानों के लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ मैंने इसीलिए मैंने कहा ठीक नहीं। है, हम उस पर अभी बहस नहीं करेंगे जैसे कि मैं, आप क्या जैसे अगर मानते मैं हैं बताऊं, या मेजोरिटी मेजोरिटी हिंदू क्या मानते हैं। अर्जुन भाई उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, वैसे तो श्री कृष्णा का फरमान मैंने पढ़ा है तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, खैर है, आप अगर नहीं समझते, हाँ नहीं, हाँ वो मैं मानना अपना नाम अर्जुन पड़ेगा, रखा है, ठीक है ना, क्योंकि नो मुझे प्रॉब्लम। जो नहीं, रामायण मैंने या फिर भी जो महाभारत वो, है, मैं ह्यूमर को भी समझे ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं मजाक तो मजाक ठीक किया है, उन्होंने। मजाक किया, अगर नहीं आप भाई, नेता यहाँ खड़े हुए हैं तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा ना, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था। हाँ, लेकिन हाँ मैं, बिल्कुल मुझे तो बता बिल्कुल, रही कि मैंने मकसद इसमें ना एक ये, बात रखना चाहता हूँ अर्जुन भाई, प्योरली प्योरली लॉजिकली लेके बोले। चलते हैं ठीक उस चीज को ना, प्योरली। है। मैं अर्जुन भाई, जो मुफ्ती साहब ने बात की है
उससे ऊपर निकल के ना उसूली बात कर लेते हैं। वैसे मुफ्ती साहब ने तो चूंकि आपको सामने रखकर बात की सनातनी भाई के तौर पर, अगर आपने कहा शास्त्र चूंकि इंसानों ने हाँ लिखे हैं तो बेसिक बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो ठीक है बनाई है कि खुदा एक ही क्यों, गॉड वर्सेस गॉड्स। उसमें प्योरली ठीक है लॉजिक के ऊपर हमने परखा है कि क्यों एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकता। कुरान में तो आयत दे दी, वलौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, अल्लाह के अलावा कोई इला होता ये सिस्टम चल नहीं पाता। गाड़ी का स्टेयरिंग को एक ही ड्राइवर पकड़ेगा, दो तीन ड्राइवर उसको हाथ डालेंगे, वो खड्डे में गिर जाएंगे, अपना भी कीमा करेंगे और साथ दूसरों को भी मरवा देंगे। ठीक है, अल्लाह ने इस चीज को बयान किया इस तरीके से। मैं आपसे अब लॉजिकल सवाल रखता हूँ, एक से हाँ ज्यादा बिल्कुल खुदा बताओ हम फिर। हाइपोथेटिकली सामने रखकर एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है अर्जुन भाई, एक से ज्यादा खुदा, मैं आपसे पूछूंगा, अगर एक से ज्यादा खुदा हो तो वो दो सूरतों से खाली नहीं होंगे, या तो सारे के सारे सेम पावरफुल होंगे, सारे के सारे नहीं, यकसा कम ज्यादा भी हो सकता ऑल है पावरफुल होंगे। ऐसा, हम मान रहे हैं कि सम हो हाँ, सकता है, कम लेकिन ज्यादा हो कम सकते हैं ज्यादा ना, भी वो हो लाने सकता लगा है। हूं, उस पर भी लाने लगा हूं, वो सुन उसको भी लीजिए लाने उनकी लगा बात, हूं। उनका पूरा आर्गुमेंट सुन लीजिए, फिर आप इस हाँ पर बोलो। अपनी राय दीजिएगा। हाँ मैंने इसीलिए कहा दो पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास होंगी, या तो ये है कि वो सारे के सारे खुदा सेम ऑल पावरफुल होंगे, या उनमें दर्जाबंदी होगी यानी कैटेगराइजेशन होगी, एक ज्यादा पावरफुल है, दूसरा थोड़ा कम है, तीसरा थोड़ा कम है, कैटेगराइज होगी। अगर सारे ऑल पावरफुल होंगे, ये भी नुक्स है, उसकी वजह ये है कि हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन रखते हैं कि क्या हर खुदा हर मर्जी चला सकेगा, अगर वो हर मर्जी चला सकेगा तो दूसरे की मर्जी नहीं चलेगी, और अगर उसकी ठीक मर्जी है नहीं चलेगी तो ये उसमें ऐब है, नुक्स है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल ना रहा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम कहें नहीं कैटेगराइजेशन है और कोई दर्जाबंदी है, ये भी नुक्स है, उसकी वजह ये है कि गॉड की बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट वो ये तकादा करता है कि वो ऑल पावरफुल हो, अगर उसमें दर्जाबंदी हो जाएगी तो दैट मीन्स कि एक गॉड पिछले गॉड से कम पावरफुल है, तो उसका कम पावरफुल होना उसको गॉड की कैटेगरी से निकाल देगा, ये ऐब है। तो इसीलिए कोई भी पॉसिबल सिचुएशन आप रखें गॉड्स एक के ज्यादा होने की, वो बेसिकली गॉड के कॉन्सेप्ट मैं आमिर भाई एक को ही खत्म इजाफा कर और देगी। करता हूँ ठीक हो आपकी इस दलील में, कि अगर दो गॉड हैं और दोनों को क्रिएटर मान लिया और एक को आपने ज्यादा पावरफुल माना और दूसरे को कम पावरफुल, चूंकि क्रिएटर दोनों हैं तो जिसके पास कम पावर है वो क्रिएटर होने की वजह से अपनी पावर फिर बढ़ा लेगा, तो वो कभी कम पावरफुल नहीं हो सकता। अगर वो क्रिएटर है तो वो उस कमी को फौरन क्रिएट बिल्कुल करके पूरा कर देगा, फिर मसला वहीं आ जाएगा कि दोनों इक्वली ऑल पावरफुल हैं। हमें बोलो। जी हाँ जैसे आप लोग बोल बिल्कुल रहे हो कि अगर दो की एक क्रिएटर है, जैसे मान रहे हो सपोज एक को पावर ज्यादा कर रहे हो एक को कम कर रहे हो, तो दोनों को पावर अगर सेम रहे, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए दो लिए और तीन भी हो सकते चार भी हो सकते, सभी के पावर अगर सेम रहे तो फिर क्या प्रॉब्लम, दो भाई, वही वही तो बताया उन्होंने आपने। बताया ना कि गाड़ी एक स्टेयरिंग जो है गाड़ी का दो ड्राइवर के पास है, एक इधर को चलेगा एक इधर को चलेगा। मैं ये चीज बता रहा हूं ना कि अगर मल्टीपल हों, सारे के सारे ऑल पावरफुल हों, तो ये नुक्स कैसे है, उसकी वजह ये है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर एक गॉड अपनी मर्जी चलाएगा, दूसरा गॉड उसके अपोजिट जाना चाहिए, इस उसूल के मुताबिक वो ऑल पावरफुल है, मगर वो नहीं जा पाएगा क्योंकि अगर वो उसके अपोजिट चला जाएगा तो वो पावरफुल नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो ये अच्छा ऑल एक पावरफुल नहीं एक रहेगा। जो सर जो बोल रहे तो थे, इस मुफ्ती सर हाइपोथेटिकल जो बोल रहे सिचुएशन थे के अंदर गाड़ी के एग्जांपल दे रहे थे, एक ही आवाज कट गॉड रही है, ऑल पावरफुल हो आपका सकता। आवाज कट हो रहा है, आपका आवाज कट हो रहा है आमिर सर। जी जी हाँ मैं जी माजरा अब चाहता हूँ, सही आ रही है कोई अभी बात। बात जी जी, अब आ रही। तो अच्छा मैंने मुफ्ती कहा सर जब जो आपने गाड़ी सारे का, हाँ खुदाओं बोलिए। को, आपने कहा ना एक साथ सारे ऑल पावरफुल हो सकते हैं, तो वो आपस में उनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्लैश करेगी। मिसाल के तौर पर इस तरह ले लें कि एक गॉड वो चाहता है कि इस अब ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को खत्म कर दे, वो चाहता है, वो खत्म करना चाहता है इसको, इसका विनाश चाहता है, दूसरा नहीं चाहता। अब आपने अगर इनको सबको ऑल पावरफुल मानना है तो वो करना चाहेगा, ये रोकेगा, अब बताएं दोनों में से, या वो रोक पाएगा नहीं, अगर रोक पाएगा तो विनाश करने वाला ऑल पावरफुल ना रहा, और अगर नहीं रोक पाएगा तो ये ऑल पावरफुल ना रहा। और ऐसा यही वजह है कि आपके पुराना में शास्त्रों में लिखा है कि एक शिव जी अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे तो विष्णु बीच में आके उनको हाँ बहका कर ले जाते थे, और उनमें आपस में जंग हुई है, ये पुराना में लिखा है, शिव पुराणा में डिटेल के अंदर ये वाक्य लिखा है कि कैसे गॉड आपस में लड़ते रहे और काम पूरा ना हो सका। यही वजह आप देखें कि इंदिरा जी जो हैं, जिनको हाँ हम ठीक बहुत है, बड़ा गॉड मानते हैं सनातन धर्म के अंदर, गो के दूसरे कुछ नहीं सनातन मानते, धर्म में तो कोई उनको मतलब एक डेमोन्स्टर ऋषि को गॉड है, रोकने लेकिन के आप लिए, इसको भी एक चाहे ऋषि को रखो। रोकने के लिए विश्वामित्रा को, बोलिए। विश्वामित्रा को रोकने के लिए मेनका को भेजना पड़ा था, क्योंकि विश्वामित्रा इतनी हैवी किस्म की यज्ञ कर रहे थे कि इंदिरा को डर पड़ा ये मेरा थ्रोन ले जाएगा।
उसको एक लड़की भेजना पड़ी मैं अप्सरा को एक्चुअली ये सब को एक कि कहानी एक बचाओ। स्टोरी की जैसे देखता हूँ, ठीक है ना, चलो ठीक और है, एक स्टोरी से जो सीख मिलता है। नहीं, लेकिन बहरहाल ये जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको दिया है, मैं मुझे थोड़ा मौका दीजिए मैं बात करने की। हाँ, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको दिया है आप उस पर बात कर लीजिए। है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप जैसे बोल रहे थे कि गाड़ी का दो ड्राइवर नहीं होता, ठीक है ना, जैसे हम लोग नेचर को अगर करीबी से देखे तो इसमें दो मतलब ऑपोजिट साइड का वो है ना एस्पेक्ट है, जैसे अच्छाई है तो बुराई है, अंधेरा है तो मतलब रोशनी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जैसे कोई उसको चला रहा है तो कोई उसको मिटा भी रहा है, ठीक है ना। जैसे हिंदू लोग गाय का पालन करते हैं, ठीक है ना, और कोई लोग उसको फिर काट के खाते हैं, तो एक तरीके से उसका सृजन है, एक तरीके का उसको फिर नाश करते हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से अगर जैसे आप बोल रहे थे कि गाड़ी का दोस्त यानी दो ड्राइवर नहीं हो सकता, ठीक लेकिन है, आप ये मैं कह रहे ऐसा हैं कि कह रहा हूँ। हमारे हमारे हमारी कायनात में, नेचर में अच्छाई है और बुराई भी है, तो एक हाँ गॉड मसलन अच्छाई कर रहा है और दूसरा गॉड जो है वो बुराई कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं दोनों मतलब वो एक नेचर जो है कि हिसाब से चल रहे, अच्छा ही बुराई दोनों साथ में रहेगी, और नेचर में वो हाँ, तो वो मजा अच्छाई और बुराई आपके एतबार से दो अलग अलग गॉड से आ रही है ना, एक गॉड से अच्छाई आ रही है, दूसरे से बुराई आ रही है। है। हाँ ये तो दोनों दो गॉड का एग्जांपल आप लोग दे रहे हो, मैं कह सकता हूँ उसका कोई पता नहीं, आता पता नहीं नहीं, वो फिलहाल हम ज्यादा भी दो हो की बात सकता कर है रहे हैं ना, हम और सो की कम बात भी ही हो। कर रहे हैं, हाँ हम तो ठीक दो है की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक ठीक है। अगर है। दोस्त साबित हो गए तो सो भी हो सकते हैं, चलो इसलिए और हम मैं थोड़ा आसानी के सा लिए दो दस की बात सेकंड कर में रहे हैं। मैं बात पूरा करने कर रहा था, 10 सेकंड में। जैसे आप बोल रहे थे गाड़ी का स्टीयरिंग दोनों ड्राइवर चला नहीं सकता एक ही दिशा में, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शायद मतलब बचकाना हो सकता है, जैसे एक साइकिल है, साइकिल में एक सामने वाला आदमी बैठ के चला रहा है, उसके पीछे भी बैठ के सेम डायरेक्शन में चला रहा है, तो वो भी जा सकता है सेम डायरेक्शन में, उसमें उस दोनों गॉड के अंदर क्लैश नहीं हो सकता है, मतलब हो भी नहीं सकता, अच्छा ठीक इस है, करके नेचर चल रहे हैं मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए दो सुप्रीम ना। बीइंग ऑल पावरफुल गॉड हैं, क्या वो हाँ दोनों तो वो एक दोनों में दूसरे क्लैश क्यों से, करेंगे? सुन लीजिए, वो दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या होगा? नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्शन एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए, एक कर ही सकते डायरेक्शन हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, नहीं, करना क्योंकि चाहिए, नेचर को अलग वो लोग बात चला है, रहे मैं हैं। सपने की, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। दोनों एक दूसरे के से डिसएग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका जवाब दे दीजिए। पॉसिबिलिटी की अगर बात हो नेचर रही है, को आपके चला सेल्फ में अगर क्या है नेचर उसकी बात ठीक हो रही है, है अगर नेचर को चलाना है तो नहीं करना चाहिए, नहीं फिर आप करना करना चाहिए। चाहिए की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कर हाँ सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पोटेंशियली, नहीं कर सकते, पोटेंशियल की अगर बात कर हो रही है लेंगे भाई, तो फिर पोटेंशियल वो की, पॉसिबिलिटी की नेचर बात आगे हो नहीं रही है। चलेगा, जी, नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं कर सकते तो फिर सकते ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो ऑल पावरफुल एग्जैक्टली। नहीं कर सकता फिर ऑल पावरफुल रहा कहाँ? जो काम वो नहीं कर सकता तो फिर वो, इसका मतलब ये कि वो पावरफुल नहीं है, तो फिर वो गॉड हाँ कहाँ ना वो रहा? तो झगड़ा नहीं कर रहे ना एग्जैक्टली, और आपस जो में, आपने तो अच्छी साइकिल की बात है ना। मिसाल दी है, एक मिनट अर्जुन भाई, और जो आपने साइकिल की मिसाल दी है उसका भी मैं थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे लैपटॉप का मसला हो रहा था, मैं इसलिए फोन से आया हूँ, तो मैं मदद चाहता हूँ। वो साइकिल का जो आपने मिसाल दी ना, आप कह रहे हैं दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, भाई साइकिल तो एक भी चला सकता है, दूसरे की क्या जरूरत है? मसलन वो गॉड फ्री में पीछे बैठा पैडल पैडल मार रहा है, उसकी जरूरत क्या है फिर? नहीं अगर एक ही दिशा में जाना है तो एक जाएगा फिर? जैसे आप लोग एग्जांपल दे रहे थे ना, तो उस तरफ से मैं सोचा मेरे नहीं, एग्जांपल शायद एग्जैक्ट करता मैंने है, मैं बोला एग्जाम्पल था। दी कि एक स्टेयरिंग, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चलें फिर एक और बात बता देता हूँ, दो सूरतों में से खाली नहीं है आपकी मिसाल। नंबर एक, उस दूसरे खुदा का जो पीछे भी दूसरी साइकिल पर बैठा है, उसका बैठना फजूल होगा, क्यों? या तो वो, उसकी जरूरत है या जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो ये इत्याज है, नीड है, डिपेंडेंसी है, और ये भी खुदा के अंदर ऐब है। जैसे तो स्ट्रेंथ को दूसरा बढ़ाने पीछे के या लिए तो फजूल साइकिल बैठा है, पे सुने दोनों जरा पैडल ना, यूज कर रहे वो हैं मिसाल, मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ, को पायलट है, को पायलट प्लेन चलाता है ना, दो पायलट्स बैठते हैं, को पायलट होता है, उसकी जरूरत ना। पता है हाँ क्यों होती है? हाँ क्योंकि डिपेंड उसका करता है, एग्जांपल मुझे देना चाहिए था, देना चाहिए था ना, तो उसकी एग्जाम्पल मैंने खुद दे दिया है, उसको भी ब्रेक कर ठीक दिया, है मैंने खुद ही ठीक, दे अच्छी के बात उसको ब्रेक है कर दिया। उससे बेहतर कि प्लेन को जो को पायलट चला रहा होता है, उसका को पायलट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हंगामी सूरत हाल के अंदर वो उस पर डिपेंड कर सके, नहीं वॉशरूम जाता है खाली वो को आमिर पायलट। भाई, खाली हंगामी सूरत हाल में नहीं, आम हालात में भी जो मेन पायलट है वो एग्जैक्ट को पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रीडिंग्स होती हैं, उस जो बहुत सॉफ्टवेयर सारे होते हैं उनकी फीचर्स रीडिंग वो है जो करनी को है। पायलट करता है, जो मेन पायलट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि मेन एग्जैक्ट पायलट में मुकम्मल कुदरत नहीं है, उसके अंदर मुकम्मल जी सलाहियत नहीं, उसको को पायलट की जरूरत है। तो अगर गॉड को आप बिल्कुल खाली मिसाल दे रहे हैं, तो जो मेन गॉड है उसको दूसरे गॉड की जरूरत है, जिसको जरूरत होगी दूसरे की, वो गॉड को फिर ऑल पावरफुल कहाँ रहा? हाँ। और अगर जरूरत नहीं है तो वो फजूल बैठा हुआ है, यानी ये ऐसे ही है कि मुझे मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी को चार टायरों की जरूरत है, चार टायरों की, और मैं छह जो है वो उठाए फिर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा टायर तो हो सकता है, मगर इसका मतलब है फिर एक्स्ट्रा मुझे टायर भी जरूरत तो गाड़ी में है। रहता है ना यानी सर, गाड़ी जो खराब हो एहतियात है ना, जाएगी। जो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी जो है ये इतनी बड़ी चीज है कि
कि जी ये एक से ज्यादा खुदा के ऊपर ये बैठ ही नहीं सकती, सिर्फ एक अच्छा, खुदा इंडिपेंडेंट है, माने बगैर चारा नहीं है। मेरा फोन का बैटरी थोड़ा सा कम हो गया, मैं बाद में कभी ज्वाइन होऊंगा, मुझे ज्वाइन करना है। ओके, आप जो है हमारी इस गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा, प्योरली रैशनल गुफ्तगू है, हमने कोई स्क्रिप्चर्स का हवाला नहीं दिया, सिंपल सी बात है, इस पर गौर करेंगे आपको हम बात करेंगे बाकी ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना वीक है और वो कितना इरेशनल है आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब आप अगली मरतबा जब आप आएंगे तो बात करेंगे, अब इस पर हमारी गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा, ठीक है? ठीक, जी। 8-9 महीने पहले ना एक ये इसी क्लिप के ऊपर ना मैंने वो क्लिप बनाया था, ये जो भाई ने बात की है, तो कोई भी पॉसिबल सिचुएशन आप रखें एक से ज्यादा की मुमकिन नहीं है। पुराने करीम में तो जो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल दिए हैं उसकी तो तोड़ आज तक मुमकिन ही नहीं है भाई, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा हजरत, ये जो आयत थी ना वलौ काना फीहिम आलिहतुन इल्लल्लाह फसदता, इस पर ना एक और अरबी स्कॉलर थे, उनकी मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था जो उन्होंने यूट्यूब पर लेक्चर दिया, उन्होंने बड़ा शानदार नुक्ता निकाला बीच में से। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि यहां से ये बजाहिर निकलता है कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो आपस में भिड़ जाएंगे। उन्होंने कहा ये बजाहिर ये निकलता है कि आपस में भिड़ेंगे तो कायना नहीं चल पाए। उन्होंने कहा ये नुक्ता तो निकलते निकलता है, इससे एक अहम नुक्ता ये निकलता है कि एक से ज्यादा वो होंगे तो ये निजाम नहीं चल सकता जो इस वक्त चल रहा है, ये निजाम नहीं चलेगा। जी, ठीक है, फिर कोई और ही चीज होगी, ये नहीं होगा जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस निजाम के एग्जिस्ट करने के लिए एक ही खुदा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल।